मंत्री को छोड़ पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाते नजर आने वाले हैं शाहरुख खान। ये सवाल इसलिए क्योंकि फरहान अख्तर ने रिसेंट अपने इंटरव्यू में इस बात को क्लियर कर दिया कि वो फिलहाल डॉन 3 पर बिजी होने के चलते काम नहीं कर रहे, और पिछले दिनों ही मुंबई पुलिस के सालाना जश्न उमंग में शाहरुख खान ने कहा था, मैं 26 से कर रहा हूं, मैंने आज तक पुलिस का रोल नहीं किया है। और अब शायद शाहरुख का ये सपना अब पूरा होने वाला है। जी हां, मीडिया के गलियारों में ऐसी खबरें हैं कि मधु भंडारकर ने अपनी अगली फिल्म के लिए शाहरुख खान को अप्रोच किया है, और इस फिल्म का नाम होगा इंस्पेक्टर गालिब। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी पर बेस्ड होगी। ये प्रदेश में फैली बालू तस्करी के मुद्दे पर बेस्ड होगी, और ऐसी खबरें हैं कि शाहरुख को फिल्म काफी पसंद भी आई है, लेकिन अभी तक उन्होंने फिल्म के लिए हाँ नहीं की है। वेल, अगर शाहरुख की पिछली फिल्मों की बात करें तो लंबे समय से वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाका नहीं कर पाए हैं। शाहरुख की लास्ट फिल्म जीरो थी, जिसमें शाहरुख, कैटरीना और अनुष्का लीड रोल में थे, लेकिन ये फिल्म ऑडियंस को कुछ खास रास नहीं आई, जिसके बाद ये खबरें सामने आई कि शाहरुख खान डॉन 3 पर फोकस करना चाहते हैं, और उन्होंने इस फिल्म पर काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन डॉन सीरीज के डायरेक्टर फरहान के हालिया बयान से साफ हो गया कि वो केवल राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म पर फोकस कर रहे हैं। रही बात डॉन 3 की, तो वो फिलहाल तो नहीं बन रही है। इसके अलावा राकेश शर्मा बायोपिक से जुड़ी खबरों से भी शाहरुख का नाम आउट हो गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शाहरुख मधु भंडारकर की फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर के रोल के लिए हाँ करते हैं या नहीं। भाई, अगर शाहरुख ने इंस्पेक्टर गालिब के लिए हाँ कर दी तो उनके फैंस तो फूले नहीं समाएंगे। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।